मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती गौरी, इसलिए कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। आप मेरी आई है, आपने जन्म दिया है मुझे, और आप मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी आई को तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल से पूछना कि बेटा जो तुम कर रही हो वो सही है या गलत। मामा, यू आर माई स्ट्रेंथ, शक्ति हो आप मेरी, और मैं अब अपनी आई को वापस जिंदगी जीना सिखाऊंगी। मैं अपनी आई की जिंदगी में खुशियाँ ला के ही रहूंगी मामा, ये मेरा वादा है आपसे और अपने आप से भी। आप जरा इस घर पे नजर रखिएगा, इस समय हमारे पास इतना वक्त नहीं कि उस दिन की हरकत का हम जवाब दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल निडर हो जाए, अपनी मनमानी करने पर उतर आए। अप्पा साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आज ही अपने आदमियों को कह देते हैं कि वो घर पर पूरी नजर रखें, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, आज से हमें इस बात की पूरी जानकारी होगी। हमें उस गर्व की चिंता नहीं है, वो जैसे कई खिलाड़ी आए और चले गए, हमें चिंता है तो पृथ्वीराज की, चुनाव सर पर है और वो। अप्पा साहब, पृथ्वी से हमारे दो दो रिश्ते हैं, हम उसके मामा भी हैं और काका भी, और पृथ्वी के जीत के बीच हम किसी को भी आने नहीं देंगे। नमस्कार अप्पा साहब। नमस्कार देशपांडे। अरे बसा बसा देशपांडे, बसा देशपांडे, हम क्षमा चाहते कि आपको मुंबई से यहां आना पड़ा, लेकिन यहां ऐसा कुछ हो गया कि हम गौरी को वहां नहीं भेज सके। अप्पा साहब, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ होगा। लीजिए देशपांडे, चाय लीजिए। बस साहब, आपने मुझे बुलाया। गौरी, ये देशपांडे साहब है, यूके एम्बेसी में काम करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। गौरी, इन लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए ताकि आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाए। सच तो ये बेटा, मैं तुमसे नफरत नहीं, तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बाहर निकालूंगी, आपके साथ रहूंगी, अब कोई चिंता मत करो, ओके? क्या हुआ गौरी? गौरी, इन पेपर्स पे साइन कीजिए।
मैं आपके साथ चलूं सबको प्रसाद बांटने? आई प्रसाद लीजिए। गौरी उठाओ इसे। प्रतीक्षा, ए प्रतीक्षा, अब आदि नहीं, आज आई को अचानक क्या हो गया? नहीं नहीं, अचानक वगैरह काही नहीं, ये हर साल होता है और कभी कभी साल में दो बार भी। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? आणि गौरी तुम्ही काळजी करू नका, हाँ अभी होश में आ जाएंगी थोड़ी देर में। अगं बास गायत्री, काय अत्याबाई बसल, जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। गौरी वो क्या है ना, कल घर में महापूजा है ना, तो तुम्हारे आई ने उपवास रखा होगा। हाँ हमने कहा था इनसे, बहुत समझाया भी, पर तुमची आई खूबच हट्टी हो। अब देखो ना, इस घर में हम सब भी तो रहते हैं, जितनी ये पूजा आपके आई के लिए जरूरी है उतनी हमारे लिए भी। और वैसे भी जब पूजा में शामिल ही नहीं होना तो उपवास रखने का ढोंग क्यों? लेकिन वैसे आपकी आई सुनती किसकी है? अभी ना 20 साल पहले। अगर हमारी बात सुनी होती ना तो वो सब हुआ ही नहीं होता। गौरी तू भी बसा, हाँ रुकी है इनके बाजू में, हम कुछ फल भेजते हैं। चला था तुम्हें खलती। Thank you.
सारी तैयारियां करके रखी है। गौरी, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। प्रतीक्षा के जज्बातों की कदर यहां कोई नहीं करता। इतना ही नहीं, लो एक काम कर, ते कपट उघड़। इसी तरह देवी माँ की पूजा की तैयारियां हर साल प्रतीक्षा करती है। और एक अप्पा साहब है कि बेचारी को कभी। सुमित्रा, आप भूल रही है, ये भी हमारी बहू है और इनकी चिंता हमें भी है। फर्क सिर्फ इतना ही है, हमें दिखावा करना नहीं आता। आप अपने माँ के पास रहिए, उनका ख्याल रखिए, कुछ जरूरत पड़े तो हमें बोल देना। आई, यहाँ सबके होते हुए भी आप कितनी अकेली है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी को भी आपकी परवाह नहीं। लेकिन अब आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिएगा। अब मैं आपके पास हूँ और आज मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।